हमारे दो प्रो ऑपरेटर यहाँ पे मशीन चला रहे हैं और मुझे लग रहा है कि टूल आज खत्म होने वाला है, टूटने वाला है, क्योंकि टूल का हालत बहुत खराब है। ये देखो छोड़ दिया। बस व्हाट्सएप, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजे के आसपास डेफिनेटली, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही चेक करके आया हूँ। 11 बजने में एक दो मिनट बाकी होगा शायद। और बाहर धूप देख सकते हो, इतना ज़्यादा तेज़ है ना, बाहर निकलने में ही डर लग रहा है, इतना ज़्यादा धूप है। लेकिन जाना तो है कॉलेज, आज है, कल वैसे छुट्टी होगा, कल गुड फ्राइडे है, कल का बात कल देखेंगे, लेकिन आज जल्दी पहुंचना है। आज सारा सर का क्लास भी SENC वाला क्लास है, तो मिस नहीं हो सकते। रोनित शायद अंडाल मोड़ में होगा, एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेता हूं और मैं जल्दी अंडाल मोड़ पहुँचूँ। जाना कैसे सबको पता है, रूट हमारा सेम ही है अंडाल मोड़ जाने का, यहाँ से पुल, पुल से टोटो, फिर अंडाल मोड़। चलो धूप इतना तेज़ है, आराम से चलते हैं। मोड़ तो पहुँच चुका हूँ मैं गाइस, और रोनित काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। चलो आज दो हेलमेट भी है, वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया, निकलते हैं जल्दी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सॉ इस्तेमाल हो रहा है कटिंग करने के लिए, हैंड सॉ जो होता है इलेक्ट्रिक में, इसमें काम करने में मज़ा है, थोड़ा सा होता है हैंड में, मतलब मस्त तरीके से फिट हो जाता है, काफ़ी बढ़िया काम होता है। और यहाँ पे स्पिंडल बन रहा है सरफेस गेज के लिए, फर्स्ट ईयर अभी सरफेस गेज ही बना रहे हैं हर कोई, यहाँ पे भी कुछ और उस तरीके के काम हो रहा है, यहाँ पे भी वही होगा, सब जगह पे यही होगा। यहाँ पे सारे हमारे स्टूडेंट्स कुछ काम नहीं करते। सर क्लासरूम है गाइस, ये हमारा और फर्स्ट ईयर का कंबाइंड रूम है, लेकिन अभी हमारा जो है थ्योरी का टाइम है और फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का टाइम है, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर रह रहे हैं, इन लोगों को हम लोग बाहर निकालेंगे और हम लोग अंदर बैठेंगे, यही हमारा प्लानिंग है। अंदर साल चले गए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, वो लोग इनको निकालेंगे, हम लोग अंदर बैठेंगे, क्योंकि हमारा थ्योरी का क्लास है, लेकिन आज सारा थोड़ा सा बिजी है, इसलिए क्लास नहीं होगा, लेकिन हम लोग बैठ तो सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाई कर लेंगे या फिर कुछ भी करें, लेकिन अंदर बैठेंगे। जब फर्स्ट ईयर रहता है तब सेकंड ईयर नहीं रहता है, जब सेकंड ईयर रहता है तब फर्स्ट ईयर नहीं रहेगा, तो हम लोग अंदर चलते हैं, वो लोग बाहर आएंगे। फिर वो धीरे धीरे आ रहे हैं सब। रूम अभी दो हिस्सों में बट गया है, पीछे देखो गेम चल रहा है, वो भी फ्री फायर पूरा टीम बना के, और सामने हमारा लूडो चलेगा जिसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है, किसी के फोन में लूडो है ही। ए, लूडोटा इंस्टॉल करना, लूडोटा इंस्टॉल कर, अच्छा तो बार कर खोल, तुम्हारे दो जनों को सहज है, पाँचटा टीम लगा। चलो हम लोग लूडो खेलेंगे, उधर फ्री फायर चल रहा है, मैं फ्री फायर नहीं खेलता, मैं पबजी खेलता हूँ ना कभी कभी। कोशिक बाहर घूम रहा है, इंद्रो बाहर घूम रहा है, सारे नहीं है, फर्स्ट ईयर कुछ है, सेकंड ईयर है, और कुछ सेकंड ईयर तो बाहर घूम रहे हैं, कहाँ पे पता। देख सकते हो भाई, जिसने भी सिविल ड्रेस में है ना, यहाँ पे सारे मारुति सुजुकी के ही, जो हमारा लास्ट दिन का ये चल रहा था, एम्प्लॉयमेंट चल रहा था ना, उसी के लिए है। लेकिन लास्ट दिन हमारा एक एग्ज़ाम हो गया यहाँ पे, रिटेन टेस्ट जिन्होंने पास कर लिया, आज उनका इंटरव्यू है, इसलिए आज थोड़ा सा कम है। रिटेन टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन उतना तो वैकेंसी होगा नहीं, तो पास आउट होने के बाद जितने भी अभी रिटन टेस्ट पास करने के बाद जो भी है वो सब इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में पता नहीं क्या होगा, आज हो जाएगा काम ख़त्म, उसके बाद फिर एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, इतना हम लोगों को पता है, और हमारे लिए वो है नहीं, इसलिए हम लोग उतने ज़्यादा सोच नहीं रहे। मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ, अभी दीपू आया है, उसके साथ मिलेंगे और फिर कॉलेज में चलेंगे। ये देखो तो कहा जाएगा लो, क्योंकि डायरेक्ट चले ली ना घर इजली, वो चला गया सीधा घर, और मैं भी अभी बाहर आया हूँ, तो चलते हैं सामने हमारे जो अंकल का दुकान है ना, वहीं पे चलता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ लेके आते हैं, एक बार बाहर आया हूँ तो चलते ही। और प्यास लग गया, मैं आज भी बोतल लाना भूल गया, हर दिन मम्मी ला दे है, लेकिन मैं हर दिन भूल जाता हूँ, तो किसी के ना किसी पास तो होगा ही, इसीलिए और भी टेंशन नहीं है। कॉलेज में तो क्या, इतने सारे दोस्त हैं, किसी ना किसी के पास तो बोतल मिल ही जाता है पानी पीने वाले, तो कोई दिक्कत होता नहीं है। ऐसा च्युइंगम है मुँह में काफ़ी टाइम से, अभी च्युइंगम में भी वो ज़्यादा मिठास पूरा चला गया। चलो दुकान के पास मैं आ ही चुका हूँ, कुछ लेके फिर चलते हैं। और अभी थ्योरी का क्लास तो आज हुआ नहीं, लेकिन टाइम हो चुका है 1 बजे के आसपास, थोड़ी देर में हम लोगों को खाना खाना है, मतलब तो लंच करना है, उसके बाद हम लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये मिल चुके हैं गाइस 70 भाई के दुकान के नीचे, कल तो खुला हुआ नहीं था, कल इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, लेकिन आज खुला हुआ है, तो पराठे खाएंगे और बाकी सारे किसी किसी के पास टिफिन भी होगा, सबको बुला लेते हैं। हमारा जो एकमात्र जगह है कॉलेज के अंदर लंच करने के लिए, साइकिल स्टैंड, बाइक स्टैंड भी कर सकते हो, वहीं पर सबको बुला लेते हैं, उसके बाद लंच करते हैं। वैसे चेंजेस है गाइस, सदियों का जो हमारा परंपरा था साइकिल स्टैंड में खाना खाने का, लंच करने का, तो वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि आज हमें पराठे तो मिल गए, लेकिन उसके साथ खाने वाले कोई तरकारी मेन वो सब नहीं मिला है, तो इसीलिए हम लोग को वैसे भी जाना पड़ेगा कैंटीन में, तो कैंटीन में सारे जाके अभी रुके हुए हैं। कैंटीन के पास में अभी जगह थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया ना कैंटीन के सामने, तो वहाँ पर बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है, तो आज का लंच वहीं पर होगा। चलो सब कुछ चले गए, मैं बाकी हूँ, मैं चलता हूँ, फिर वहीं पे लंच करेंगे। हमारा खाना पीना ख़त्म अभी के लिए, और हम चार ही थे, तीन और मैं एक, चार। अभी हम लोग चलेंगे काम करने के लिए, मेन जो काम है दो नहीं कुछ भी बोल, तो हम लोग मेन अभी जो काम करने के लिए आए हैं कॉलेज में, वैसे थ्योरी तो हुआ नहीं लेकिन प्रैक्टिकल तो करना है, प्रैक्टिकल करने में चलेंगे।
थोड़ा पानी वानी पीते हैं उसके बाद चलते हैं। और आज काम थोड़ा बढ़िया तरीके से करना है, जितना भी हो सकता है, जितना भी लास्ट एक्सट्रीम मोमेंट तक हो सकता है उतना कोशिश करेंगे कि काम ख़त्म कर दे। अभी देखते हैं जितना टाइम होगा और जितना साथ देगा टूल और मशीन उतना बढ़िया काम करेंगे। चलो ये जगह में ये जो साढ़े पेड़ है ना काफ़ी मस्त दिखता है। काम तो अभी यहाँ पे चालू कर रहे हैं गाइस, लेकिन टूल के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, इतना लंबा हो गया है ना कभी भी टूट सकता है, लेकिन ऐसे ही काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर में और ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए, साइड में कटिंग होगा ना राइट साइड में, तो ये वाला क्लियरेंस देके आते हैं उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और रोनित उस मशीन में काम कर रहा है, जो बाकी सामने वाला फ्रंट पोर्शन है जो कि यहाँ पे लगता है ना मेन फ्रंट वाला पोर्शन, वो जो एंगल रहता है टेपर, वो वाला रोनित करेगा, वो भी उस मशीन में वहाँ पे जो हमारा 3 जॉ चक है उधर। हमारे 2 प्रो ऑपरेटर यहाँ पे मशीन चला रहे हैं और मुझे लग रहा है कि टूल आज ख़त्म होने वाला है, टूटने वाला है, क्योंकि टूल का हालत बहुत ख़राब है। ये देखो छोड़ दिया, अरे काट काट काट, टूल का जो हालत है ना वो बहुत ख़राब है, टूल बहुत छोटा हो चुका है और सामने वाला पोर्शन ग्रूविंग वाला पोर्शन बहुत लंबा हो गया, तो परेशानी तो थोड़ा है, लेकिन पूरा विश्वास है मुझे ऑपरेटर में बात है, दोनों में कुछ बात है। ये डे कूलेंट दे, चलो होगा काम, कूलेंट नहीं आई तू, हमी सब घोड़ दो তাহলে কি করাবে আমরা বড় অপারেটর নই তোমাদের কাছে করতে হবে লেবার না না ওটা তেল বড় বড়িয়া কাম হো রা করনে দেতে কাম কিতনা বড়িয়া হুয়া হ্যায় দেখো গাইস अंदर तक बढ़िया हो चुका है, बस लास्ट में अंत में थोड़ा सा जगह बाकी है जो कि करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि टूल का क्लियरेंस साइड वाला क्लियरेंस उतना बढ़िया नहीं है, तो क्लियरेंस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तब ये अंदर वाला काम भी हो जाएगा, नहीं तो बाकी पूरा काम जो है हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, जितना भी चाहिए था बस इसके बाद इसका अंदर उतना कुछ काम नहीं है, एक बार थोड़ा सा और ड्रिल कर लेना पड़ेगा बस काम हो जाएगा, और बाकी बैक साइड वाला काम है एक बार फिटिंग चेक करना पड़ेगा तो वो भी देखेंगे। उधर रोनित काम कर रहे हैं उस साइड में, उन लोगों का काम हुआ नहीं है, और यहाँ पे सर भी है, कौशिक भी काम कर रहे हैं, टाइम भी 4:30 से ऊपर हो चुका है, ये जल्दी ख़त्म करता हूँ मैं। दूसरा टाइम है जब हम लोगों ने फिर से गलत कर दिया इस चीज़ को, लास्ट दिन इंद्रो ने किया था, थोड़ा सा ढीला कर दिया था, आज मैंने कर दिया थोड़ा सा ढीला, बस अभी सर के इंतज़ार में है, सर आएंगे फिर हम लोगों को बताएंगे कि नार्लिंग करना है कि नहीं, और उससे पहले तो थोड़ा सा झाड़ भी मिलेगा, वो उसमें मज़ा आएगा ज़्यादा। कोई नहीं बुला रहा है सर को, मुझे ही जाना पड़ेगा लगता है, सर वहाँ पर काम कर रहे हैं, चलो चलते हैं थोड़ा सा सुन के आते हैं। ये देखो कितना बढ़िया फिटिंग हुआ है ये, ओहो ऐसा ही फिटिंग चाहिए था। गाइस हमारा काम कंप्लीट, और जैसे कि देख सकते हो फिटिंग भी हो चुका है, भास्कर अभी तक हमारे पास था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन चल लेकिन हम हाँ मैंने आज बिगाड़ दिया था जैसे कि मैं बोला था, तो हो चुका है हमारा काम पूरा कंप्लीट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ चाहिए हाथ धोने के लिए, हाथों का हालत थोड़ा बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अलमीरा में समझते कुछ सब कुछ फिट हो गया अलमीरा में, ये सब भी रखते हैं लेकिन सर को एक बार दिखा लेंगे बीच में, ये सारे सामान भी घुसाने हैं। और अभी कोई नहीं है, कौशिक, रोनित, भास्कर, मैं और ताड़ा सर, बस बाकी वर्कशॉप खाली है। चलो ये सब सामान समेट लेते हैं फिर निकलना भी है। जोश में गाइस दोनों कह रहे हैं यहाँ पे लॉकर तोड़ना है, यही मेरा काम है, लॉकर तोड़ने के चक्कर में हैमर ही टूट गया। ये देखो लगातार कोशिश के बावजूद भी कौशिक ने लगातार फेलियर, लगातार कोशिश और लगातार फेलियर, देखते हैं क्या होता है। हमारे यहाँ में लॉकर स्पेशलिस्ट जो था वो था साफिन ही, कौशिक इतनी बार कोशिश करने के बाद खोल दिया है, लेकिन स्पेशलिस्ट साफिन था, वो एक दो बार में खोल देता था, वो नहीं है अभी काम करने गया। चलो स्पिन डेल्टा, चलो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सार्फ, सार्फ रखा हुआ था, सार्फ निकालेंगे और वही चाहिए हमें। लेकिन ये बढ़िया बात है, लॉकर तोड़ने के चक्कर में हैमर टूट गया, हमारा लॉकर टाइट तो ही कहना है ना ना ना, आज के सौ की भी बेगन मिलेगी, कोशिश थोड़ा ज़्यादा उत्तेजना में ऑलमोस्ट खत्म गए, हाथ साथ भी धोना हो गया, और अभी कॉलेज में फिलहाल कोई भी नहीं है, हॉस्टल के अंदर जो रहते हैं वो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं है, पूरा खाली है चारों तरफ, सर वहाँ पे, तारा सर उधर है, तो हम लोग अभी हमारा बस कुछ काम नहीं है, हम लोग निकलते हैं और घर भी जाना है ना, बस बाइक वाइक निकालेंगे, कोशिश तो साइकिल या फिर बाइक से कुछ से तो आया होगा, तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।